नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम आशीष और आज मैं आया हूँ मोहम्मदाबाद फोर्ट, जिसका नाम आदिलाबाद फोर्ट भी है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा दिखता है ये फोर्ट। तो कुछ इस तरीके का अपहिल सा है ये, और इसमें इतने सारे स्टेयर्स बने हुए हैं। तो अभी खड़ा हूँ मैं एंट्री गेट पे, और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो टिकट भी कोई चेक नहीं कर सकता। और जस्ट मेरे पीछे में देख सकते हैं, वहाँ पे वो है तुगलकाबाद फोर्ट। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे अगर आप आते हैं। सजेस्ट करूँगा कि आप अकेले तो ना ही आए, किसी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में आए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना हाफ क्यों रहा हूँ, बिकॉज आप ये नीचे में देखेंगे बिल्कुल डिक्लाइन है और आगे भी ऐसा ही है। तो कुछ ये है गाइडलाइंस यहाँ पे, और कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक फ्री जोन एरिया है। और ये देखिए लेज एंड चिप्स के पैकेट्स। तो उधर कहीं है शूटिंग रेंज, जहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने जूम किया है। तो यहाँ पे गोलियां भी चलती हैं, और कहा एक यहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने मेरे को कहा है कि आप ऊपर ना जाना, जिस क्योंकि यहाँ पे गोलियां चलती हैं और यहाँ पे आ सकती हैं गोलियां। तो बी फॉर द सेफर साइड, आप इस पे अगर इस पे चढ़ें ना, नीचे से ही आप पूरा फोर्ट को देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से एंट्री होती थी, ये मेन गेट था यहाँ पे आने का, जिससे हम अभी एंट्री करते हैं। ये दूसरा गेट था, यहाँ से एंट्री होती थी, और वहाँ से एंट्री करते हुए आप यहाँ पे अभी 8 से 10 फीट का करीब गहराई है। और यहाँ से यहाँ पे पहले सीढ़ी होती होंगी, बट अभी वो सीढ़ी टूट चुकी है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस। और यहाँ से एंट्री होती है, तो इधर जाके एंट्री करते हैं, बट अभी उसकी जो एंट्री है इस तरफ हो गई है। चलो अंदर चलते हैं फिर। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा है, और अच्छे तरीके से इस जो फोर्ट है इसको मेंटेन किया गया है। कुछ पार्ट्स अभी भी थोड़े बहुत हैं जहाँ पे जंगल्स हैं, लेकिन स्टिल अच्छे से मैनेज किया गया है, अगर तुगलकाबाद से कंपेयर करें तो। तो बात करें अगर इस फोर्ट को क्यों बनवाया गया था, और कोई ना कोई कारण होंगे जो तुगलकाबाद छोड़ के यहाँ पे आ गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो सबसे बड़ा कारण था इस जगह पे शिफ्ट होने का, कि वो नहीं चाहते थे कि अपने फादर के, जहाँ पे उनके फादर रहा करते थे, और माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको मरवाया था, ऐसा मानना है। तो वो नहीं चाहते थे कि उस जगह पे वो रहें। और जैसे ही उन्होंने अपने जो सत्ता उनके हाथ में आई, तो उन्होंने ये फोर्ट बनवाने का निर्णय लिया था, और जस्ट उसके पास में ही ये फोर्ट बनवाया। तो ये जो फोर्ट है उनके उस तुगलकाबाद फोर्ट के मुकाबले बहुत छोटा है इन एरिया, और ये फोर्ट सिमिलर है बिल्कुल जैसे तुगलक बनाते थे, स्लांटेड जो एरिया होते थे, स्लांटेड फोर्ट होते थे उनके, तो उसी तरीके का है ये बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाया गया है ये फोर्ट, और बहुत कम टाइम में ही बनाया गया है, करीबन 1 साल के अंदर में ये फोर्ट पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। और ये फोर्ट बनाया गया था 1326 से 1327 के बीच में, तो 1 साल के अंदर में ये पूरा फोर्ट बन के तैयार हो गया था। तो इस फोर्ट का नाम रखा गया था जहाँपनाह, जहाँ पे पूरा संसार पनाह लेता है। और ये जो जगह है इसको जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो चाहते थे कि पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो एक साथ इंक्लूड हो जाए। इससे पहले जो 3 सिटीज़ बनी थी, जो मुस्लिम डायनेस्टी थी उनमें से, तो सारी सल्तनत डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी, जितनी भी डायनेस्टी थी इससे पहले की, वो सबको एक साथ जोड़ना चाहते थे, एक पूरा एक जहाँपनाह बनाना चाहते थे। लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी डिसीजंस थे मोहम्मद बिन तुगलक के जो कि वो अच्छे नहीं थे, जिसके वजह से बहुत सारा कैपिटा का यूज़ हुआ था, और वो डिसीजन गलत होने के कारण पूरा कैपिटा वेस्ट हो गया। तो इसी वजह से उनके पास में इतना फ़ंड नहीं था कि वो पूरे के पूरे जितने भी पहले के जो मुस्लिम एम्पायर थे उन सबको एक साथ मर्ज कर पाएँ, और ये काम पूरा नहीं हो पाया। तो ये जो जगह को अभी भी जहाँपनाह या मोहम्मदाबाद या इसको आदिलाबाद का किला बुलाया जाता है। तो मेनली अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आदिलाबाद का किला आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो उससे आप आ सकते हैं।
तो ये देख रहे हैं ना आप किस तरीके का मोर्टार यूज़ किया गया है इसमें। इसे शायद पुट्टी कहते हैं, वाइट सीमेंट या पुट्टी है ये। इससे इसको जोड़ा गया है। एक्चुअली जो इसका जो पूरे फोर्ट को जो बनाया गया होगा या फोर्टिफिकेशन किया गया होगा, तो इस तरीके के मोर्टार यूज़ किए गए होंगे। ये जो मोर्टार कहलाते थे, इनको कहा जाता था लाइम मोर्टार। और इसमें क्रश ब्रिक्स भी डाले जाते थे, छोटे छोटे ईंटों के जो टुकड़े हैं वो डाले जाते थे, जैसा कि आप नज़दीक से देख भी सकते हैं। तो ये एक बार जब सेट हो जाता है तो ये एकदम से इस पत्थर की तरह ही स्ट्रांग हो जाता है। जितना ये पत्थर स्ट्रांग है उतना ही, ऑलमोस्ट इतना ही ये भी स्ट्रांग हो जाता है। ऑब्वियसली उतना नहीं होगा क्योंकि अरावली के पर्वत श्रृंखला है, जब से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन में से होता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही हो जाता है ये भी। चलिए आगे चलते। तो वो है कचरों का ढेर, और ये आप देख सकते हैं पूरा फोर्टिफिकेशन तुगलकाबाद का, और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ये फोर्ट का पार्ट है, फोर्टिफाइड पार्ट है, बट अभी डैमेज हो चुका है। बहुत ही सुंदर सा सूरज का नज़ारा है। तो ये पीछे, मेरे पीछे में जो वॉल देख रहे हैं आप, ये हुआ करते थे जो एंट्री वॉल्स पैलेस के अंदर में आ जाने का। और इसमें अभी ये ऑलमोस्ट, अभी इस पूरे फोर्ट का हर पार्ट एकदम रून हो चुका है। कहीं पे भी कोई भी छत नहीं है, सारे छतें जो हैं वो गिर चुकी हैं। तो ये पूरा जैसे तुगलकाबाद फोर्ट में जो है कुछ कुछ पार्ट, जैसे सराय है या मीना बाज़ार है या बहुत सारे ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो बचे हुए हैं स्टिल। तो ये आप देख रहे हैं जो झील है छोटी सी, ये झील बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत ऊपर हुआ करती थी। और उधर कहीं टूम देख रहे हैं आप, उस टूम का जो ऊपर का जो पार्ट है बस बस वो रहा करता था, और उसके नीचे का जितना भी पार्ट है वो पानी में रहा करता था। तो ये समझ सकते हैं कितना ऊपर तक यहाँ पे पानी हुआ करता था। बट अभी टाइम टू टाइम धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता चला गया, और बिल्कुल अब ये यहाँ पे पानी है ही नहीं, अब बिल्कुल सूख चुका है ये भी। तो ये पूरा का पूरा अभी देख सकते हैं कंडीशन। और बता दूं कि उस टूम की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो मैं उसमें बताने वाला हूँ कि वो किस किसका टूम है और उसकी उससे रिलेटेड हिस्ट्रीज में बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बने रहिए इस वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। तो इस तरीके के कमरे हुआ करते थे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही होते होंगे। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तुगलकाबाद के वीडियो में, जिसमें 3 लाइन ऑफ डिफेंस हुआ करते थे, तो ये भी कुछ उसी तरीके का होता होगा। यहाँ का ज़्यादातर चीज़ जो है वो अब ऑलमोस्ट रून हो चुका है, और कहीं कहीं तो बिल्कुल मिट चुका है। तो अब वहाँ की उसकी हिस्ट्री अभी यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक भी साइन बोर्ड नहीं है। जो भी ज्योग्राफिकल मैप है और वहाँ पे बताया गया है जो भी चीज़ है, और एक गाइडलाइन बोर्ड है, उसके अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे ये हुआ करता होगा या यहाँ पे ऐसे पैलेस हुआ करता होगा। उसके पैलेस के गेट के आसपास में कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, जस्ट एंट्री गेट पे है, और एक जो पहले का जो एंट्री गेट होता था उसकी तरफ दो जगह पे ये है बोर्ड्स। तो अब शाम हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमने पूरे फोर्ट को देख भी लिया है, तो टाइम है अब गुड बाय करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और कमेंट करो यार ज़रूर, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।